दुबई होस्ट करेगा कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को, आखिर क्या रिपोर्ट्स आए हैं इसके ऊपर, आइए इसी के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि जून के महीने में अफ्रीका कबड्डी कप हुआ था एंड अफ्रीका कबड्डी कप खत्म हो जाने के बाद ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि केन्या क्वालिफाई कर चुकी है कबड्डी वर्ल्ड कप के लिए एंड अब खेलेगी डायरेक्टली कबड्डी वर्ल्ड कप जो होगा दुबई में। अब अफ्रीका कबड्डी कप जीत चुकी है केन्या की टीम एंड उनके जो लोकल न्यूज चैनल से वो ट्वीट कर रहे, आप अपने स्क्रीन पे 2-3 ट्वीट्स देख सकते हो जिसमें साफ साफ लिखा है कि केन्या क्वालिफाई कर चुकी है, उनको बधाई दिया गया एंड साथ ही साथ ये मेंशन किया गया है कि कबड्डी वर्ल्ड कप दुबई में होने वाला है। अब तक कबड्डी वर्ल्ड कप के 3 एडिशंस हो चुके हैं, 2004 का एडिशन, 2007 एंड 2016 का एडिशन एंड तीनों ही कबड्डी वर्ल्ड कप इंडिया ने होस्ट किया है, तो इसके होने के बहुत ज्यादा चांसेस है बिकॉज स्पोर्ट्स कैलेंडर 2024 एंड 2025 का जो कबड्डी का कैलेंडर आया था उसमें कबड्डी वर्ल्ड कप का जो वेन्यू है वो मेंशन नहीं था, तो इसके हाई चांसेस है कि इंडिया के बाहर इस बार का जो कबड्डी वर्ल्ड कप होगा वो होने वाला है एंड दुबई होस्ट करते हुए दिख सकती है अपकमिंग कबड्डी वर्ल्ड कप। अब एज ऑफ नाउ यही कह सकते हैं कि कबड्डी वर्ल्ड कप शेड्यूल किया गया है अगले साल यानी कि 2025 के जनवरी के आखिरी वीक में हमें कबड्डी वर्ल्ड कप शुरू होता हुआ दिख सकता है। अब इसके चांसेस थोड़े से कम अब दिख रहे हैं, अब ऐसा क्यों कह रहा वो आपको आगे बताने वाला हो। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज इंडिया क्रिकेट टीम इंडिया पहुंच जाएगी, जब तक आप वीडियो देख रहे हो पहुंच चुकी होगी एंड ये जो एक्शन है वो अभी तक खत्म नहीं होगा। क्रिकेट के बहुत सारे T20 लीग्स चल रहे हैं एंड साथ ही साथ अभी इंडिया जिम्बाब्वे का T20I सीरीज भी चलने वाला है। सभी मैचेस के प्रिडिक्शन आपको राजा क्रिकेट एनालिस्ट टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देने वाला हूँ, जाइए एंड बिल्कुल फ्री में राजा क्रिकेट एनालिस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं कि कबड्डी वर्ल्ड कप होने के कम चांसेस क्यों है, बिकॉज उनके जो कैलेंडर है उसके स्टार्टिंग के ही 2-3 लाइंस में लिखा गया है कि PKL 11 अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है एंड जैसे ही प्रो कबड्डी सीजन 11 फाइनलाइज हो जाएगा फिर से एक बार कैलेंडर रिलीज किया जाएगा, तो प्रो कबड्डी कब होने वाला है। प्रो कबड्डी के दो विंडोज निकल के आ रहे हैं, सबसे पहले अक्टूबर दिसंबर के महीने में हमें देखने को मिल सकता है, अगर उस विंडो में हुआ तो एंड ऑफ जनवरी में कबड्डी वर्ल्ड कप कंडक्ट किया जा सकता है, अगर प्रो कबड्डी और थोड़ा सा डिले हुआ लाइक दिसंबर फरवरी के मंथ में हमें देखने को मिला तो डिफिकल्ट होगा बिकॉज मार्च के महीने में ही थर्ड जूनियर वर्ल्ड कप हमें देखने को मिलेगा बॉयज का एंड ये होने वाला है ईरान में, तो थर्ड जूनियर कबड्डी वर्ल्ड कप तो आगे नहीं जाएगा, अपने टाइम पे ही होने वाला है। जो दिक्कत होगा वो मेंस कबड्डी वर्ल्ड कप को होगा जो कि जनवरी में शेड्यूल किया गया है एंड और भी सारे ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण डिफिकल्टीज हो सकती है, जैसे कि AKFI का इलेक्शन का अभी बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है जिसमें काफ़ी IKF के बोर्ड मेंबर्स एंड साथ ही साथ AKF ने इशू उठाया है, तो ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अभी प्रो कबड्डी का एक इशू है, मसाल स्पोर्ट्स एंड AKFI का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एंड हो चुका है, तो इससे क्या प्रो कबड्डी थोड़ा सा डिले होगा जो कि मैंने आपको बताया दिसंबर फरवरी के विंडो में जा सकता है, तो ये दो इशू जब तक सॉल्व नहीं होता है आप ये नहीं कह सकते कि 100% कबड्डी वर्ल्ड कप हमें जनवरी के लास्ट वीक में देखने को मिलेगा। अब क्या पता अंदर ही अंदर काम जोरों शोरों से चल रहा है, अब मुझे नहीं पता, अब देखते हैं इसके ऊपर क्या अपडेट आता है। हम लोग एक ही चीज कर सकते हैं, इंतजार करते हैं एंड देखते हैं एंड जो भी इसके रिगार्डिंग एडिशनल अपडेट्स आएंगे वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे जाके आप @sportsnif7 सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए कबड्डी वर्ल्ड कप का यही अपडेट था, कितने पॉसिबिलिटीज है एंड साथ ही साथ दुबई होस्ट करेगा, दुबई वाला आप कह सकते हो कि ये कंफर्म है लेकिन कब होगा ये अभी भी डाउट में है एंड अभी फिलहाल के लिए प्रो कबड्डी सीजन 11 का ऑक्शन कब होने वाला है इस पे वीडियो बनाया है, आपने नहीं देखा तो लेफ्ट साइड पे क्लिक करके देख सकते हो एंड राइट साइड पे PKL 11 ऑक्शन के रिटेन प्लेयर्स की सीरीज स्टार्ट कर दिया है, वो देखने के लिए आप राइट साइड पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक मिलते हैं उसी वीडियोज में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।